हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक वाला। आज की जो ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो होने वाली है ऑफ द प्लेलिस्ट एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन के बारे में और कुछ लेसन्स के बारे में जो हमें लॉज से सीखने को मिले, जो चार लॉज इस बुक में डिस्कस किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करें। और चलिए शुरू करते हैं। कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट दैट लास्ट। देयर इज एन एंशियंट ग्रीक पैराबल नोन एज द सॉलिटस पैराडॉक्स which talks about the effect one small action can have when repeated enough times. One formulation of the paradox goes as follows: can one coin make a person rich? If you give a person a pile of 10 coins, you wouldn't claim that he or she is rich. But what if you add another and another and another? At some point, you will have to admit that no one can be rich unless one coin can make him or her so. We can say the same about atomic habits. Can one tiny change transform your life? It's unlikely you would say so. But what if you made another and another and another? At some point, you will have to admit that your life was transformed by one small change. The holy grail of habit change is not a single 1% improvement, but a thousand of them. It's a bunch of atomic habits stacking up, each one a fundamental unit of the overall system. So basically, author कहते हैं कि अगर आज मैं आपको एक रुपये का सिक्का दूँ और आपसे पूछूँ कि आप इस एक रुपये के सिक्के से अमीर हो गए हो या हो सकते हो, तो शायद आप बोलोगे कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये एक रुपये का सिक्का हर रोज दूँ, बार बार दौड़ देता रहूँ, तो फिर एक समय ऐसा आएगा शायद जब आपके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और आप अपने आप को अमीर इंसान कहला पाओगे। सिमिलरली, अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, छोटे छोटे कुछ चेंजेस के बारे में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने आज अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज करा तो क्या आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो आप बोलोगे नहीं, एक छोटे से चेंज से मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी। लेकिन अगर एक छोटा चेंज आपने आज किया, एक छोटा चेंज आपने कल करा, फिर उसको इम्प्रूव करा, फिर करा, ऐसे करता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई होगी। और जितने भी लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उनकी लाइफ एकदम से रातों रात नहीं बदलती है, वो छोटा 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 कुछ चेंज करते हैं और कई सालों में जाके चीज़ें कंपाउंड होती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ऑथर कहते हैं कि इस बुक का मोटिव ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी चीज़ में 1% इंप्रूवमेंट अगर कर लोगे तो आपकी सारी हैबिट्स फॉर्म हो जाएंगी, चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप हर रोज़ 1% इंप्रूवमेंट करोगे और हज़ारों बार उस 1% इंप्रूवमेंट को करोगे, तो कंपाउंडिंग से वो चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपकी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, एटॉमिक हैबिट्स हैं, वो स्टैक होकर कुछ एक ओवरऑल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देंगी, चीज़ों को चेंज कर देंगी। In the beginning, small improvements can often seem meaningless because they get washed away by the weight of the system. Just as one coin won't make you rich, one positive change like meditating for 1 minute or reading one page each day is unlikely to deliver a noticeable difference. Gradually, through as you continue to layer small changes on top of one another, the scale of life start to move. Each improvement is like adding a grain of sand to the positive side of the scale, slowly tilting things in your favor. Eventually, if you stick with it, you hit a tipping point. Suddenly, it feels easier to stick with good habits. The weight of the system is working for you rather than against you. Over the course of this book, we have looked at dozens of stories about top performers. We have heard about the Olympic gold medalist, award-winning artists, business leaders, life-saving physicians, and star comedians, who have all used the science of small habits to master their craft and vault to the top of the field. Each of the people, teams, and companies we have covered have faced different circumstances but ultimately progressed in the same way through a commitment to tiny, sustainable, unrelenting improvements. छोटी छोटी improvements के साथ हर एक इंसान ने अपने आप को बदला है, छोटी छोटी चीज़ों को रोज कर करके उन्होंने अपने आप को एक बड़ा महान इंसान बनाया है, चाहे वो कोई भी इंसान हो जिसकी भी हम बात करें, जिनकी हमने पूरी बुक में बात करी है। Success is not a goal to reach or a finish line to cross. It is a system to improve, an endless process to refine. अब बहुत important बात जो यहाँ पे कही गई है,
इसको तोड़ते हैं और समझते हैं, सक्सेस इज नॉट अ गोल। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि सक्सेस एक गोल है, सक्सेस एक फिनिश लाइन है जिस जहां तक मुझे पहुंचना है या जिसको मुझे अचीव करना है या मुझे उसे क्रॉस करना है। बट हम यहाँ पे समझते हैं कि ऑथर क्या कह रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेस इज नॉट अ गोल टू रीच। सक्सेस कोई गोल नहीं है जिसको हमें अचीव करना है या जहां पे हमें पहुंचना है, ना ही कोई फिनिश लाइन है और अ फिनिश लाइन टू क्रॉस। सक्सेस इज नॉट अ गोल टू रीच और अ फिनिश लाइन टू क्रॉस। ना तो सक्सेस कोई गोल है जिसको अचीव करना है या जहां पे पहुंचना है, ना ही सक्सेस कोई फिनिश लाइन है जिस तक पहुंचना है और उसको क्रॉस करना है। सक्सेस इज अ सिस्टम टू इम्प्रूव एन एंडलेस प्रोसेस टू रिफाइन। इट इज अ सिस्टम टू इम्प्रूव। सक्सेस हर बार खुद को इम्प्रूव करना, हर बार खुद को इम्प्रूव करना, चाहे वो थोड़ा इम्प्रूव करो या ज़्यादा इम्प्रूव करो, जब आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो तो वो इम्प्रूवमेंट आपके लिए सक्सेस है। और ये जो सक्सेस है ना, वो एंडलेस प्रोसेस है खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को रिफाइन करने की, खुद को डिस्कवर करने की। तो बेसिकली हम लोग जो अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मेरे को सक्सेस मिलेगी, एक कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ बदल जाएगा और मैं सक्सेसफुल इंसान हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सक्सेस ऐसा कुछ है ही नहीं। आप वहां पर भी पहुंचकर यही सोचोगे कि मेरे पास ऐसा क्या नहीं है, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन जब आप खुद को हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हो, हर रोज़ अगर मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल, मैं वहीं पे ही सक्सेस को अचीव कर रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि आज मैंने कुछ करा तो मेरे को 10 साल बाद जाके सक्सेस मिलेगी। सक्सेस ऐसा होता ही नहीं है। सक्सेस उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको मिल चुकी है जब आपने उसको इम्प्रूव कर लिया। और इसी एंडलेस प्रोसेस को हम सक्सेस कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी अचीव होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको अचीव हो चुका है। जैसा कि इन चैप्टर 1 आई सेड, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल चेंजिंग योर हैबिट्स, द प्रॉब्लम इजंट यू, द प्रॉब्लम इज योर सिस्टम। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको दिक्कत हो रही है अपनी हैबिट्स को चेंज करने में, ट्रबल हो रही है, तो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम के अंदर है। Bad habits repeat themselves again and again, not because you don't want to change, but because you have the wrong system to change. अगर आप अपने life में successful नहीं हो पा रहे हो, चीज़ों को improve नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब दिक्कत आप में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप failure हो, आप successful नहीं हो पा रहे। दिक्कत यह है कि जिस process के through या जिस system से आप अपनी चीज़ों को improve करने की सोच रहे हो, habits को form करने की सोच रहे हो, success को achieve करने का सोच रहे हो, वो system में ही दिक्कत है। और जो बैड हैबिट्स होती हैं वो खुद को रिपीट करती हैं बार बार, इस वजह से नहीं क्योंकि आप उनको बदलना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि क्योंकि आपके पास एक सिस्टम नहीं है जिनसे आप उनको रोक सको। एज दिस बुक ड्रॉज टू अ क्लोज, आई होप द अपोजिट इज ट्रू। विद द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यू हैव अ सेट ऑफ टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज टू बिल्ड बेटर सिस्टम्स एंड शेप बेटर हैबिट्स। Sometimes a habit will be hard to remember and you will need to make it obvious. Other times you won't feel like starting and you will need to make it attractive. In many cases you may find that a habit will be too difficult and you will need to make it easy. And sometimes you won't feel like sticking with it and you will need to make it satisfying. This is a continuous process. There is no finish line. There is no permanent solution. Whenever you are looking to improve, you can rotate through the 4 laws of behavior change until you find the next bottleneck. Make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying, round and round, always looking for the next way to get 1% better. The secret to getting results that last is to never stop making improvements. It's remarkable what you can build if you just don't stop. It's remarkable the business you can build if you don't stop working. It's remarkable the body you can build if you don't stop training. It's remarkable the knowledge you can build if you don't stop learning. It's remarkable the fortune you can build if you don't stop saving. It's remarkable the friendship you can build if you don't stop caring. Small habits don't add up, they compound. That's the power of atomic habits. Tiny changes, remarkable results. Author यहाँ पे कह रहे हैं कि आप basically अगर हम देखें ना, तो इस पूरी book का सार अगर हम देखें क्या है कि हम habits form क्यों करते हैं। हर कोई इंसान अपनी life में कुछ achieve करना चाहता है, successful होना चाहता है, कुछ चीज़ों को
पाना चाहता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहता है, बुरी चीज़ों को छोड़ना चाहता है, अच्छी चीज़ों को पाना चाहता है, और इसीलिए हम हैबिट्स का सहारा लेते हैं, हैबिट्स फॉर्म करते हैं जिससे कि हमें आदत पड़ सके चीज़ों को करने की और जो बुरी आदतें हैं हम उनको छोड़ सकें, जो क्योंकि हम अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ की तरह जीना चाहते हैं। और वहीं पे हमें समझ आता है कि इस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को ही सक्सेस बोला जाता है। और उस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए ऑथर ने हमें चार लॉज के बारे में बताया है, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो हम इन चार लॉज को पढ़ सकते हैं, समझ हमने लिए हैं, उनको अप्लाई करना है और हमारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसी को इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और इसी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को मिला के आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसको हम एक बड़ी सक्सेस कहते हैं। और ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को भी हम सक्सेस कहते हैं। और ऑथर ये कहते हैं कि जो स्मॉल आपकी हैबिट्स हैं ये ऐड नहीं होती हैं बल्कि कंपाउंड होती हैं, मल्टीप्लिकेशन का इधर रूल चलता है। इसलिए ऑथर ने इस बुक का नाम भी रखा है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। सो आगे हम कंक्लूजन को ख़त्म करके एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि ऑथर ने किन चार लॉज के बारे में हमको बताया है और उन चार लॉज से हमको क्या सीखने को मिलता है। एंड एट द एंड हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और हमारी ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो हम एक बार डिस्कस करते हैं लिटिल लेसन फ्रॉम द फोर लॉज। इन दिस बुक आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फोर स्टेप मॉडल फॉर ह्यूमन बिहेवियर, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। दिस फ्रेमवर्क नॉट ओनली टीचेज अस हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स बट ऑल्सो रिवील सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। एंड क्यू एंड क्रेविंग इज द प्रॉब्लम फेज, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द सॉल्यूशन फेज। और यहाँ पर ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल्स यूज करे हैं, कुछ लेसन को कंपाइल कराए हैं हमको समझाने के लिए कि कैसे ये चारों की चारों प्रोसेस, चारों के चारों जो लॉज है वो काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं। और हाँ, अगर आपने एक बार इन सब चीज़ों को समझ लिया तो आप देखने लग जाओ कि हाँ यार ये चीज़ें तो हर जगह ही एप्लीकेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें हम पहले से देख भी रहे हैं लेकिन हमें इस सिस्टमेटिक वे में पहले नहीं पता थी। अवेयरनेस कम्स बिफोर डिज़ायर। अ क्रेविंग इज क्रिएटेड व्हेन यू असाइन मीनिंग टू अ क्यू। योर ब्रेन कंस्ट्रक्ट्स एन इमोशन और फीलिंग टू डिस्क्राइब योर करंट सिचुएशन एंड दैट मीन्स अ क्रेविंग कैन ओनली अकर आफ्टर यू हैव नोटिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। Happiness is simply the absence of desire. When you observe a cue but do not desire to change your state, you are content with the current situation. Happiness is not about achievement of pleasure but about the lack of desire. It arrives when you have no urge to feel differently. Happiness is the state you enter when you no longer want to change your state. Author ने बात करी क्यू की कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर एक क्रेविंग आ जाती है किसी चीज़ को परफॉर्म करने की और चीज़ों को बदलने की, लेकिन जब वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आ रही है इसका मतलब है कि हम अपनी करंट सिचुएशन के साथ खुश हैं और उसी चीज़ को हैप्पीनेस बोला जाता है। हैप्पीनेस का मतलब प्लेजर या जॉय नहीं है, हैप्पीनेस का मतलब है लैक ऑफ डिज़ायर। हाउएवर हैप्पीनेस इज फ्लीटिंग बिकॉज अ न्यू डिज़ायर ऑलवेज कम्स अलॉन्ग। एज केट ब्यूटरी सेड, हैप्पीनेस इज द स्पेस बिटवीन वन डिज़ायर बींग फुलफिल्ड एंड न्यू डिज़ायर फॉर्मिंग। Likewise, suffering is the space between craving a change in state and getting at it. It is the idea of pleasure that we chase. We seek the images of pleasure that we generate in our mind at the time of action. We do not know of what it will be like to attain that image. The feeling of satisfaction only comes afterward. This is what the Austrian neurologist Viktor Frankl meant when he said that happiness cannot be pursued, it must ensue. Desire is pursued, pleasure ensues from action. Peace occurs when you don't turn your observation into problems. Peace कब आता है? Peace तब आता है जब आप अपनी observations को problems में convert ना करें। The first step in any behavior is observation. किसी भी behavior का पहला step तो observation होता है, awareness होता है। You notice a cue, आप एक cue को notice करते हो, कुछ एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक इवेंट को नोटिस करते हो। इफ़ यू डो नॉट डिज़ायर टू एक्ट ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व देन यू आर एट पीस। अगर आपको चेंज करना ही नहीं है अपनी चीज़ों को तो मतलब आपके पास पीस है, आपके पास शांति है। क्रेविंग इज अबाउट वॉन्टिंग टू फिक्स एवरीथिंग। और क्रेविंग क्या होता है कि आपको उस चीज़ों को बदलना है। ऑब्जर्वेशन विदाउट क्रेविंग इज द रियलाइजेशन दैट यू डो नॉट नीड टू फिक्स एनीथिंग। योर डिज़ायर्स आर नॉट रनिंग रैम्पेंट। You do not crave a change in state. Your mind does not generate a problem for you to solve. You are simply observing and existing. आप सिर्फ exist कर रहे हो और observe कर रहे हो चीज़ों को, आपको कुछ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप peace में हो। With a big enough why, you can overcome anyhow. Author कहते हैं कि अगर आपको why के बारे में पता है तो आप किसी भी चीज़ के how को आसानी से पार कर सकते हो। Friedrich Nietzsche, the
German philosopher and poet famously wrote, "He who has a why to live for can bear almost anyhow." उन्होंने कहा था कि जिस इंसान के पास एक why है जीने का, उसके पास हर एक how का solution है. This phrase harbors an important truth about human behavior. If your motivation and desire are great enough, you will take action even when it is quite difficult. Great craving can power great action even when friction is high. Being curious is better than being smart. Being motivated and curious counts for more than being smart because it leads to action. Being smart will never deliver results on its own because it doesn't get you act. It is desire, not intelligence, that prompt behavior. As Neville Ravikant says, the trick to doing anything is first cultivating a desire for it. तो author कहते हैं कि curiosity की जरूरत ज़्यादा है, smartness की नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना है, एक्शन लेना है तो. इमोशंस ड्राइव बिहेवियर. एवरी डिसीजन इज एन इमोशनल डिसीजन एट सम लेवल. वट एवर योर लॉजिकल रीजंस आर फॉर टेकिंग एक्शन, यू ओनली फील कंपेल्ड टू एक्ट ऑन दैम बिकॉज ऑफ इमोशन. इन फैक्ट पीपल विल डैमेज टू इमोशनल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन कैन लिस्ट मैनी रीजन फॉर टेकिंग एक्शन बट स्टिल विल नॉट एक्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव इमोशनल टू ड्राइव दैम. दिस इज वाई क्रेविंग कम्स बिफोर रिस्पॉन्स. The feeling comes first and then the behavior. We can only be rational and logical after we have been emotional. The primary mode of the brain is to feel. The secondary mode is to think. हमारा brain का जो primary mode है वो emotions से जुड़ा हुआ है, feeling से जुड़ा हुआ है. Secondary जो mode है वो thinking से जुड़ा हुआ है. Our first response, the fast non-conscious portion of the brain is optimized for feelings and anticipating. Our second response, the slow conscious portion of the brain is the part that does the thinking. Psychologists refer to this as system 1, feeling and rapid judgment, versus system 2, rational analysis. The feelings come first, the rationality only intervenes later. This works great when the two are aligned, but it results in illogical and emotional thinking when they are not. Your response tends to follow your emotions. Our thoughts and actions are rooted in what we find attractive, not necessarily in what is logical. Two people can notice the same set of facts and respond very different because they run those facts through their unique emotional filters. This is one reason why appealing to emotion is typically more powerful than appealing to reason. If a topic makes someone feel emotional, they will rarely be interested in the data. This is why emotions can be such a threat to wise decision making. Put another way, most people believe that the reasonable response is the one that benefits them, the one that satisfies their desire. To approach a situation from a more neutral emotional position allows you to base your response on the data rather than the emotions. Suffering drives progress. The source of all the suffering is the desire for change in state. This is also the source of all progress. The desire to change your state is what powers you to take action. It is wanting more than pushes humanity to seek improvements, develop new technologies, and reach for a higher level. With craving, we are dissatisfied but driven. Without craving, we are satisfied but lack ambition. Your action reveals how badly you want something. If you keep saying something is a priority but you never act on it, then you don't really want it. It's time to have an honest conversation with yourself. Your action reveals your true motivations. ऑथर कहते हैं कि आपके एक्शंस रिवील करते हैं कि आपको चाहिए क्या, सच में क्या चाहिए. जो आप बाहर से बोल रहे हो वो नहीं, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वही असली चीज़ है जो आपको चाहिए. रिवॉर्ड इज ऑन द अदर साइड ऑफ सेक्रीफाइस. रिस्पॉन्स ऑलवेज प्रिसीड्स रिवॉर्ड. द रनर्स हाई ओनली कम्स आफ्टर द हार्ड रन. द रिवॉर्ड ओनली कम्स आफ्टर द एनर्जी स्पेंट. सेल्फ कंट्रोल इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग. A reward is an outcome that satisfies your craving. This makes self-control ineffective because inhibiting our desires does not usually resolve them. Resisting temptation does not satisfy your craving, it just ignores it. It creates space for the craving to pass. Self-control requires you to release a desire rather than satisfy it. Our expectations determine our satisfaction. The gap between our cravings and our rewards determines how satisfied we feel
after taking action. If the mismatch between expectations and outcome is positive, then we are more likely to repeat a behavior in the future. If the mismatch is negative, then we are less likely to do so. For example, if you expect to get $10 and get $100, you feel great. If you expect to get $100 and get $10, you feel disappointed. Your expectation changes your satisfaction. An average experience preceded by high expectations is a disappointment. An average experience preceded by low expectation is a delight. When liking and wanting are approximately the same, you feel satisfied. Satisfaction is equals to liking minus wanting. This is the wisdom behind Seneca's famous quote, being poor is not having too little, it is wanting more. If your wants outpace your likes, you will always be unsatisfied. You are perpetually putting more weight on the problem than the solution. Happiness is relative. When I first began sharing my writing publicly, it took me 3 months to get 1,000 subscribers. When I hit that milestone, I told my parents and my girlfriend, we celebrated. I felt excited and motivated. A few years later, I realized that 1,000 people were signing up each day, and yet I didn't even think to tell anyone. It felt normal. I was getting results 90 times faster than before, but experiencing little pressure over it. It was not until a few days later that I realized how absurd it was that I was not celebrating some things that would have seemed like a pipe dream just a few years before. The pain of failure correlates to the height of expectation. When desire is high, it hurts to not like the outcome. Failing to attain something you want hurts more than failing to attain something you didn't think much about in the first place. This is why people say, I don't want to get my hopes up. Feeling comes both before and after the behavior. Before acting, there is a feeling that motivates you to act, the craving. After acting, there is a feeling that teaches you to repeat the action in the future, which is the reward. How we feel influenced how we act, and how we act influences how we feel. Desire initiates, pleasure sustains. Wanting and liking are the two drivers of behavior. If it's not desirable, you have no reason to do it. Desire and craving are what initiate a behavior, but if it's not enjoyable, you have no reason to repeat it. Pleasure and satisfaction are what sustain a behavior. Feeling motivated gets you to act. Feeling successful gets you to repeat. Hope declines with experience and is replaced by acceptance. The first time an opportunity arises, there is a hope of what could be. Your expectation is based solely on promise. The second time around, your expectation is grounded in reality. You begin to understand how the process works, and your hope is gradually traded for a more accurate prediction and acceptance of the likely outcome. This is one reason why we continually grasp for the latest get-rich-quick or weight-loss scheme, new plan offer, hope, because we don't have any experience to ground our expectation. New strategies seem more appealing than old ones because they can have unbounded hope. As Aristotle noted, youth is easily deceived because it is quick to hope. Perhaps this can be revised to youth is easily deceived because it only hopes. There is no experience to root the expectation in. In the beginning, hope is all you have. So this was all about the little lessons from the four laws. Hope you enjoyed this video. Hope you enjoyed our whole playlist of the Atomic Habits book by James Clear. So thanks for watching this video. And there are two more topics. Number one, how to apply these all ideas to business. And number two, how to apply these ideas to parenting. If you want me to make some video on these two, then you can tell me in the comments, or if you want me to give you some PDF on these two topics, I can also do that. So you can also comment for that in the comment section. I hope you enjoyed these videos. I hope you enjoyed the whole book, and thanks for watching this video. Thanks for subscribing us. Thanks for following us. See you soon in the next video. Goodbye. Take care.